वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीड हैबिट के बारे में बात करेंगे। सीड हैबिट का इवोल्यूशन टेरिडोफाइट्स या वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम में शुरू हुआ और इनका पूर्ण रूप से इसका विकसित रूप आप एंजियोस्पर्म पादप में देख सकते हैं। तो किस तरह से टेरिडोफाइट में सीड हैबिट का इवोल्यूशन हुआ और इसका पूरा डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म में हुआ, ये हम इसमें स्लाइड में हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू इवेलुएट द सीड हैबिट इन वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम वी हैव टू रिमेंबर सिचुएशन इन सीड बियरिंग प्लांट। इवोल्यूशन को जानने के लिए हमें उन पॉइंट्स पर विचार करना होगा जो सीड बियरिंग प्लांट्स या उन्हें स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनमें क्या स्थितियां पाई जाती है तो उस चीज को हम टेरिडोफाइट्स से कंपेयर करेंगे। तो स्पर्मेटोफाइट्स यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार के बीजाणु होते हैं, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु और मेगास्पोर गुरु बीजाणु। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, देयर इज ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर। एंजियोस्पर्म में केवल और केवल एक ही कार्यशील गुरु बीजाणु होता है और वह गुरु बीजाणु उस गुरु बीजाणु धानी या मेगास्पोरेंजियम या उसे ओव्यूल भी कहते हैं, उसमें से बाहर नहीं निकलता है या उसमें से लिबरेट नहीं होता है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट विच इवेंचुअली डेवलप इनटू एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में क्या होगा, दोनों प्रकार के जो गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट तो अपनी स्थिति में ही रहेगा और मेल गैमेट जो है वहां पर आकर फ्यूज होगा। दोनों गैमेट्स के फ्यूज होने से एंजियोस्पर्म में क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा और उस जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उस ओव्यूल के भीतर। ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, हिंदी में इसको कहते हैं गुरु बीजाणुधानी के भीतर ही होगा। तो ये स्थितियां एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एम्ब्रियो एंड रेस्ट ऑफ द गैमेटोफाइट टिश्यू फॉर्म द सीड। अब ये जो एम्ब्रियो यहाँ बना है और बाकी का जो गैमेटोफाइट था वो कुछ उसमें चेंजेस होकर उससे क्या बन जाएगा, सीड प्लांट, सीड बन जाएगा। आफ्टर शेडिंग द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। और सीड के जो है शेड होने या नीचे गिरने से वहां पर एक नया पादप बन जाएगा। तो ये स्थितियां हमने किसमें देखी है, सीड प्लांट्स या एंजियोस्पर्म में। अब वो स्थितियां थी, उन स्थितियों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो फर्स्ट है कि सीड हैबिट के लिए आवश्यक है कि दो प्रकार के स्पोर्स बने, न कि एक प्रकार के। दूसरा फॉर्मेशन, दूसरा रिडक्शन इन नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर टू वन पर मेगास्पोरेंजियम। दूसरी आवश्यकता क्या है कि वहां पर मेगास्पोर की संख्या अधिक न होकर केवल एक हो जाए, यानी उस मेगास्पोरेंजियम में केवल और केवल एक ही मेगास्पोर होना चाहिए। तीसरी स्थिति जो सीड हैबिट के लिए आवश्यकता है कि रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम अंटिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वह मेगास्पोर उस मेगास्पोरेंजियम के भीतर ही स्थित रहे जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाए। चौथी रिक्वायरमेंट है सीड हैबिट के लिए, इलेबोरेशन ऑफ एपिकल पार्ट ऑफ मेगास्पोरेंजियम टू रिसीव माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोर का एक अन्य नाम होता है पोलन ग्रेन्स। सीड हैबिट के लिए यह आवश्यक है कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसका अग्रभाग कुछ इस प्रकार से
चेंज हो जाए कि वह पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को आसानी से ग्रहण कर सके, या वहां पर मेगास्पोरिंजियम का एपिकल पार्ट रिसेप्टेकल बना ले। तो ये स्थिति भी कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में डेवलप होने लगी थी। नेक्स्ट स्थिति हमें चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा मेगास्पोरिंजियम में या ओव्यूल में, तो वहाँ पर उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। न्यूट्रिशन भी सीड हैबिट के लिए आवश्यक है। तो ये स्थितियाँ पिछली स्लाइड में जो हमने देखी वो स्थितियाँ सीड हैबिट के लिए आवश्यक है। इनमें से टेरिडोफाइट्स में कौन कौन सी स्थितियाँ पाई जाती है, तो लगभग वो सारी स्थितियों का होना यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में शुरू हो जाता है। लेकिन कौन से टेरिडोफाइट्स में? टेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट इन टेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कैन बी इवेल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट। तो सीड हैबिट को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है सेलेजिनिला। सेलेजिनिला इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सेलेजिनिला की हमने लाइफ साइकिल को पूरी तरह से स्टडी किया है, तो वहां पर हमने देखा था कि सेलेजिनिला की अधिकतर स्पीसीज हिटेरोस्पोरस होती है, यानी दो प्रकार के स्पोर्स वहां पाए गए थे। दूसरी स्थिति क्या होती है कि सेलेजिनिला में केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होता है, और यह फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होता है। इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से इससे क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। और कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर? मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने से 4 हैप्लोइड या अगुणित मेगास्पोर बन जाते हैं। अब इन 4 में से 3 मेगास्पोर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, अपभ्रष्ट हो जाते हैं, एंड ओनली ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इन स्पोरिंजियम इज प्रेजेंट इन मैनी स्पीसीज ऑफ सेलेजिनिला। तो 4 मेगास्पोर में से 3 नष्ट हो जाते हैं, तो एक ही मेगास्पोर बचेगा। यह मेगास्पोर फंक्शनल होता है, और यह मेगास्पोर आगे क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इस तरह से हमने देखा सेलेजिनिला में काफ़ी स्थितियां सीड हैबिट को डेवलप करने के लिए वहां पर पाई जा रही है। तो सेलेजिनिला रुपेस्ट्रिस, सेलेजिनिला मोनोस्पोरा और सेलेजिनिला इरिथ्रोपस में इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स या टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट फॉर्मेशन के लिए स्टार्टिंग या इवोल्यूशन जो है यहाँ पर हो जाता है।